पंच प्रमाण पंच प्रधान पंचे पावे दरगाह मान पंचे सोहे दर्रा जान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कह करे विचार करते कह करना नाही सुमाल धोल धर्म दया का पूत संतोख थाप रख्या जिनसूत। तां गुरु नानक देव जी समझौना करते हैं कि जिन्हां मनुखां दी सुरत नाम विच जुड़ी रहती है ते जिन्हां दे अंदर प्रभु वास्ते लगन बन जाती है वही मनुख इत्थे जगत विच मन्ने परमन्दे रहिंदे हन अते सब दे आगू हुंदे हन। अकाल पुरख दे दरगाह विच वी वही पंच जन ही आदर पाउंदे हन। राज दरबारां विच वी वही पंच जन ही सोभदे हन। इन्हां पंच जनां दी सुरत दा निशाना केवल एक प्रभु गुरु ही हुंदा है। भावें कोई कथन करके वेखे या विचार कर लवे अकाल पुरख की कुदरत का कोई लेखा ही नहीं भाव कि उसका अंत नहीं पाया जा सकता। अकाल पुरख का धर्म रूपी भजवा नियम ही चलता है जो सृष्टि नूं कायम रख रहा है। यह धर्म दया का पुत्र है भाव अकाल पुरख ने अपनी मेहर करके सृष्टि नूं टिका रखने लिए धर्म रूप नियम बना दिते है। इस धर्म ने अपनी मर्यादा अनुसार संतोख नूं जन्म दिता है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।